उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एमआरओ एसोसिएशन गोरखपुर इकाई की वार्षिक आम सभा का आयोजन रविवार को दुर्गाबाड़ी परिसर में किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, प्रांतीय महासचिव हेमंत सिंह, प्रांतीय सचिव कौशलेंद्र पांडे, अध्यक्ष एस के डे, सचिव अखिलेश उपाध्याय सहित एसोसिएशन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आम सभा के दौरान वक्ताओं ने एसोसिएशन से जुड़े लोगों से संबंधित समस्याओं तथा उनके निवारण पर चर्चा की गई। इस दौरान एसोसिएशन के नए कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें एसकेडी अध्यक्ष, अखिलेश उपाध्याय सचिव, आशीष श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, मनोज श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, राजन दीक्षित उप सचिव, अनुज उपाध्यक्ष उप सचिव, प्रवीण द्विवेदी उप सचिव, के एन राय उप सचिव और एस मुखर्जी को सर्वसम्मत से कोषा अध्यक्ष चुना गया। इसके अतिरिक्त 10 कार्यकारिणी सदस्य का भी चयन किया गया। और किस प्रकार से आगे ले जाएंगे इसका निर्धारण करते हैं हम लोग वार्षिक आम सभा में। कॉम्रेड सभी को ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा जो ये वार्षिक आम सभा है, पिछले जब से यूपी एमएलए की नींव रखा गया तब से आज तक लगातार गोरखपुर इकाई अपनी वार्षिक आम सभा के रूप में नए कार्यकारिणी को ले आते हैं और लगातार हमारे क्रांतिकारी साथी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आप सभी को मालूम है सरकार की सब विरोधी नीति को लेकर आज सभी कर्मचारी वर्ग किस प्रकार से अपनी अपनी जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं किस प्रकार से अपने आप को संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, ये संघर्षपूर्ण जीवन में अकेले अगर हम संघर्ष नहीं अकेले हम संघर्ष को नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये संघर्ष हमारे संगठन के साथ मिलकर चलते हैं और संगठन को हम लोग मजबूत बनाते हैं जिससे कि हम अपनी संघर्ष को और मजबूती से बनाते हैं। साथियों, इस संगठन को मजबूत बनाते बनाते आज गर्व की बात यह है कि पूरे भारत ने हमारे संगठन का 1,00,000 सदस्य क्रॉस किया है। कॉम्रेड जी, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन करता था काम, वो एक क्लब की तरह काम करता था, लेकिन उसके बाद जो लीडरशिप आई उन्होंने सोचा कि क्लब से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो देश की आर्थिक नीति है या देश में जो सामाजिक श्रम कितने थे उनका फायदा मेडिकल नहीं पहुँचता है, तो फायदे को पहुँचाने के लिए संगठन का निर्माण किया गया और आज 36 साल का हमारा इकाई है बहुत अच्छा है। और यूपी में सारे का एक बहुत ही मजबूत इकाई है, इसलिए मैं बड़े फख्र का बात कहता हूँ। गोरखपुर सबसे पहले मैंने मेरा आना हुआ था 1996 में, वो हमारी यूपी में सारे की वार्षिक अधिवेशन था, कॉन्फ्रेंस थी, यूपी में सारी कॉन्फ्रेंस थी 1996 के अंदर कॉन्फ्रेंस थी, उस समय एज ए डेलीगेट अमेरिका लखनऊ का इसी मंदिर था, मैं उसकी हैसियत से जाया है। तो गोरखपुर की एक छवि तब से है मेरे दिमाग के अंदर, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हम लोग करी थी और एक नई लाइन लेके हम लोग गए और उसके बाद से आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन। आज की तारीख में हमको पनिशमेंट क्यों मिलता है? सेल नहीं होगी तो हमको पनिशमेंट मिल जाता है, स्टॉप स्टेट में नहीं है तो पनिशमेंट मिल जाता है, स्टॉप स्टेट में ऑर्डर नहीं भेजा तो हमको पनिशमेंट मिल जाता है, यानी कि हर चीज के लिए जिम्मेदारी मेडिकल रहती है। लेकिन स्ट्रक्चरल रूल बनने के बाद क्या होगा कि हमारी जिम्मेदारी तय होगी कि मेडिकल में आपके काम क्या करेगा, कितने घंटे काम करेगा और उस घंटे के हिसाब से हमारी जो मजदूरी होगी। आज की तारीख में एक ही काम करने के लिए एक ही कंपनी के अंदर एक ही हेडक्वार्टर में अलग अलग कहता है कि आप 24 करोड़, कोई कहता है कि आप मेडिकल करने, वो इस तरह से डिमार्केशन करके अलग करते हैं। तो क्वेश्चन ये हमारे सामने कि अगर हमारे स्पेशली वर्किंग ग्रुप बन जाते हैं तो हमारा काम क्या हो जाएगा, हमारे काम के घंटे क्या हो जाएंगे, उस हिसाब से हमारे पढ़ा रहे होते हैं। अगर स्पेशल वर्किंग ग्रुप हमारे फेवर में आते हैं तो ठीक है, गवर्नमेंट नहीं आते तो आंदोलन हमको करना पड़ेगा, लेकिन स्पेशल वर्किंग ग्रुप आज की तारीख में बहुत जरूरी है और बिकॉज एब्सेंस ऑफ द स्टेट वर्किंग ग्रुप हमारे सामने जो समस्या है वो समस्या है। तो एक आंदोलन हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन है जिसके अंदर हमको
जगह करनी पड़ेगी और जब तक ये हमारे स्पेशल वर्किंग ग्रुप नहीं बनते तब तक उसके अंदर संघर्ष करना पड़ेगा।